जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप इस ब्लॉग में देख रहे हो हमारे बीकानेर की यात्रा। और बीकानेर की यात्रा में हमें बीकानेर की गंगा जुबली गौशाला में जाने का मौका मिला, तो वहां जाकर के आए। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और गंगा जुबली गौशाला में जाकर के हमें हरे चारे के लिए दान पुण्य करके आए। मिंदर चालिया आने ये पिंजरा प्रोब गौशाला के नाम से इनकी ब्रांचेज है अलग अलग। बहुत ही सुव्यवस्थित और सही तरीके से इस गौशाला को स्थापित किया गया है शहर के बीच में। बहुत पुरानी गौशाला है। गऊओं को और पशुओं को दान करना चाहिए। जो जीव जंतु है उनको हम जितना दान पुण्य करेंगे भगवान और ईश्वर हमें उतनी ही श्रद्धा और तन्मय से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस गौशाला के पास में लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल है, वहाँ पर भी हमें जाने का मौका मिला। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे साथ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के टेम्पल का परिसर का पूरा वीडियो भी देखें। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है वो बीकानेर का सबसे पुराने मंदिरों में से एक, और यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर का एक पवित्र स्थल है और मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चांदी की नाजुक और जटिल कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर के सबसे लोकप्रिय त्यौहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी है, जिस दौरान भारत के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ती है और ये बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको भी कभी अगर यहाँ पर मौका मिले आने का तो अवश्य यहाँ पधारें और इस मंदिर के दर्शन करें। मंदिर के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है और साथ में यहाँ पर जूते चप्पल बाहर उतारने होते हैं और चमड़े का जो बेल्ट है वो भी यहाँ बाहर रखना होता है। तो पर्स भी अंदर अलाउ नहीं है। तो जब कभी भी आपको मौका आए तो उस व्यवस्था से यहाँ आए और खूबसूरत लोकेशन मेहरनाथ में आपको भूलूँ नहीं। यहाँ पर सेल्फी लें, फ़ोटो लें और मंदिर के इस माहौल में रंगने में आप भी समा जाएं। खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ अवश्य आएँ और सुबह और शाम अगर आपको आने का मौका मिले तो आरती में अवश्य यहाँ शामिल होएं, तो आपको अलग अनुभूति प्राप्त होगी। तो आप यहाँ अवश्य पधारें और वीडियो को अंत तक आप इसी तरह देखते रहें और इन्जॉय करते रहें और भगवान के इस माहौल को आप भी महसूस करें। लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा राव लूणकर्ण ने 14वीं शताब्दी में करवाया था और माना जाता है कि राव लूणकर्ण भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के आराध्य थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और लक्ष्मीनारायण मंदिर के शहर में मध्य में स्थित है और जो पैदल यात्रा के करके भी मंदिर में जा सकते हैं। कुछ समय एकांत और शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए मंदिर परिसर में स्थित पार्क में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। लक्ष्मीनारायण मंदिर में आप मंदिर में मौजूद रंगीन चित्रों, नक्काशी और कुशल हस्तकला को भी देख सकते हैं। लक्ष्मीनारायण मंदिर में शाम के समय होने वाली आरती में शामिल होकर अस्मरणीय आध्यात्मिकता का आप अनुभव कर सकते हैं। और इस मंदिर में कभी भी आपको जाने का मौका मिले तो अवश्य वहाँ पर पधारें और भक्ति में माहौल में आप भी मग्न होकर के उस मंदिर को ध्यान लगा करके आए। मंदिर में बहुत ही शांति का माहौल महसूस हुआ और उसके बाद हम जब घर पर पहुंचे तो घर पर आने के बाद में बच्चों ने मस्ती की। आप उन मस्ती भरे पलों को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे साथ भविष्य में ऐसे ही बने रहें। आपको बहुत ही आकर्षक और मस्ती भरे वीडियो आपको आगामी
देखने को मिलेंगे। तो आप हमेशा ही प्यार देते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, हसीन पलों को ऐसे ही ज़िंदगी भरे मस्त माहौल में जीते रहें। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और भविष्य में आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और मस्ती भरे माहौल को आप ऐसे ही इंजॉय करते रहें। आपको और भी आकर्षक वीडियो इस चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमें ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहें, हम आपको और अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट ला करके और आपको वीडियो के माध्यम से दिखलाते रहेंगे। Thank you.